जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वर्क पीस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं वही प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है? जी सर। वर्किंग स्टार्ट करने का प्रोसेस तो क्या होता है, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल बड़ा रहता है फ्लैट से हम लोग काट के ऐसे टुकड़ा में हम लोग निकाल लेते हैं, फ्लैट का टुकड़ा में निकल गया। अब इसको क्या करते हैं, जैसे ये वर्क पीस हो गया, इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ये कटिंग किए, कटिंग करने के टाइम में कोई क्या किया, टेढ़ा कट कर लिया, लेकिन तो कटिंग तो किया है ना। अब इस पे हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे जॉब बनाने के लिए, तो हम लोग को कम टाइम में और आसानी से जॉब बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को क्या, ये सरफेस जो है इसको क्या करना चाहिए, चिकना करना है, सरफेस से जो भी रस्ट वगैरह है इसको हटाना है। सेम क्या करना है, अपोजिट साइड को भी हटा देना, जब मेरा दो सरफेस तैयार हो जाए, ठीक है? पहला काम क्या है, दोनों सरफेस को हमको तैयार करना है, फिनिशिंग कर देना। ये जब सरफेस मेरा फिनिश हो जाए, सरफेस प्लेट के ऊपर रख के चेक कर लेंगे, जब मेरा ऑयलिंग करेंगे, चेक करेंगे ऑयल लगा के, पूरा सरफेस में ऑयल मेरा लग रहा है, समझ जाएंगे क्या हो रहा है, मेरा सरफेस पूरा रेडी हो गया है। ये मेरा क्या था, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जैसे देखो ये कंपनी से आया हुआ ना, दो साइड तो हमेशा बना हुआ रहता है, हम लोग काटेंगे इधर टेढ़ा कट गया है, इधर टेढ़ा कट गया है, जो काटेंगे वही टेढ़ा होगा ना, कंपनी से जो आया वो तो सीधा रहता है ना। तो हम लोग क्या इसी को बेस ले सकते हैं, इसी को अगर हम लोग बेस लेंगे तो हमको एक साइड हमेशा स्ट्रेट मिल जाएगा। ये बेस हमको स्ट्रेट मिल गया, क्या मिला, बेस हमको स्ट्रेट मिल गया, सीधा मिल गया। अब इसको जब एक साइड हम लोग बना लेंगे, बनाने के टाइम में इधर से भी हम लोग ट्राई स्क्वायर रख के चेक कर लेंगे और इधर चेक करेंगे, जब मेरा ये सीधा बन गया, इसको क्या बेस के साथ कॉन्टेक्ट में ला सकते हैं। उसके बाद ये वर्क पीस को बनाना है तो ऐसे कॉन्टेक्ट में लाए, तो देख रहे हैं क्या मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो जो मेरा टच हो रहा है उसी को क्या करना है, घिसना है, फाइलिंग करना है। जब ये फाइलिंग मेरा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, क्यों, अभी कॉन्टेक्ट एरिया कितना है, पॉइंट के बराबर है, फाइलिंग करेंगे तो ये पॉइंट हट के थोड़ा सा स्पेस में बनेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, जब हमारा क्या होगा, पूरा ब्लेड हमारा क्या होगा, पूरा जॉब में जब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तब हमारा क्या समझेंगे, साइड मेरा तैयार होना स्टार्ट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या देखे, पहले साइड तैयार करना, तीसरा स्टेप में क्या देखे, उसी साइड को बेस लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड बनाना स्टार्ट किया। जब ये साइड मेरा बन जाएगा, फिर एक ही बेस से, अभी इधर छूना भी नहीं है, कंपनी की तरफ से हमको दो साइड बना हुआ मिलता है ना स्टेट, एक साइड को ही छूना है, एक साइड को स्टेट बनाना है, उसी को बेस लेना है, एक ये साइड बना देना है, और काम के अनुसार अगर हमको स्क्वायरनेस जॉब चाहिए तो हम लोग अपोजिट साइड को भी यहीं से बना देंगे, यहीं से रख के ये जब हम लोग बना देंगे तो हमारा क्या हुआ, तीन साइड बन गया, ये साइड कंपनी से स्टेट रहता ही ना, जब मेरा तीन रहेगा तो लगभग लगभग ये मेरा क्या होगा, बना हुआ रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर रखेंगे, थोड़ा सा इधर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिशिंग कर देंगे, तो हमारा आसानी से और कम टाइम में सबसे स्पीड हम लोग राइट एंगल ऐसे बना सकते हैं स्क्वायरनेस बनाने के लिए। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे करना है स्पीड में, सबसे पहले क्या करना है, वर्क पीस का सरफेस को फिनिश करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मेरा क्या हो जाता है, दूसरा स्टेप में हमारा ये जो एरिया है, एक साइड जो कंपनी के तरफ से दो साइड बना हुआ मिलता है, उसमें से एक साइड को हम लोग क्या करना है, स्टेट तैयार कर लेना है, दूसरा स्टेप हो गया। उसी स्टेप को हम लोग क्या करना है, ट्राई स्क्वायर का बेस में कॉन्टेक्ट में रखते हुए हम लोग तीसरा और चौथा साइड को हम लोग इसमें क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। पहला साइड कंपनी से तैयार था, उसको बेस ले लिए, उसी को बेस लेके इधर का साइड बना लिए, इधर दूसरा साइड बना दिए, जब ये बन गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर से रेफरेंस लेके ये चौथा स्टेप में हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से फिनिश कर लेंगे। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का भी एंगल जब बन जाएगा तो इधर का भी एंगल चेक कर लेंगे कि ये इधर का स्क्वायरनेस के साथ साथ मेरा वर्क पीस फेस के साथ साथ साइड मेरा 90 है कि नहीं है। इधर जो हम लोग चेक कर रहे हैं एक साइड से दूसरा साइड, लेकिन इधर एंगुलर में भी हमारा है कि नहीं है, फेस के साथ हमारा है कि नहीं, साइड के साथ साइड हमारा राइट एंगल तो हो गया, लेकिन फेस के साथ मेरा साइड राइट एंगल में है कि नहीं है। राइट एंगल में नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब ऐसे ही रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई एक ना एक एंगल में झुक जा रहा है, जितना कम रहेगा उस हिसाब से वो झुक जाएगा, स्ट्रेट रहेगा तो मेरा क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट इस तरह से स्ट्रेट में बैठेगा, ठीक है, स्ट्रेट मेरा बैठ जाएगा। तो ये सब भी ध्यान इसमें रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे आसान तरीका से हम लोग करेंगे तो आसानी से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा क्या था, वर्किंग स्टार्ट करने का प्रोसेस, क्लियर है? जी सर, यहाँ तक मैं किसी को कोई दिक्कत